वाराणसी के प्रसिद्ध ज्ञानवापी परिसर में 3 दिनों के सर्वे के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में 12.8 फीट का एक शिवलिंग मिला है, जिसके बाद वाराणसी की अदालत ने इस जगह को सील करा दिया है। सोमवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के 3रे दिन कड़ी सुरक्षा के बीच सारी कार्रवाई संपन्न कराई गई। हिंदू पक्ष के लोग मंदिर से बाहर निकले तो भावुक थे, ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे क्या मिल गया हो। बाबा क्या मचा, आप ये बताइए आप इतने खुश क्यों हैं? आप इतने खुश क्यों हैं? आप इतनी खुश हैं क्या बाबा, मिल गए हैं? 30 रूप में मिले हैं, 30 रूप नहीं, खुश क्यों हैं आप? मैडम मैं बहुत खुश हूँ, बाबा हर तरफ छाए हुए। मस्जिद के सर्वे के बाद अंदर से बाहर आए हिंदू पक्ष के लोगों ने चिल्लाकर कहा, बाबा मिल गए हैं। ये तस्वीर वाराणसी के सारे लोग देख रहे थे। मीडिया के कैमरों के माध्यम से सारे देश में ये तस्वीरें सामने आ रही थी। क्या मिला? बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, बस इसी का कुछ। क्या मिला? बस हो गए, और कुछ जो इतिहासकार ने लिखा था जो तस्वीरें और जो तमाम जो जो ये इतिहास में वर्णित है कि पुरोहित बाबा का शिवलिंग लेके कूद गया था, क्या वही शिवलिंग मिला है? सोहन लाल जी आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए बताइए सोहन लाल जी, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। इसके बाद वाराणसी की कोर्ट में एक याचिका दायर हुई, जिससे ये साफ हो गया कि इन भाषणों की वजह क्या थी, इन बयानों की वजह क्या थी। वाराणसी में वकील विष्णु जैन ने कोर्ट में याचिका दी और कहा कि मस्जिद के अंदर एक शिवलिंग मिला है, इस जगह को तत्काल सील करा दिया जाए और मस्जिद में नमाजियों पर रोक लगा दी जाए। वाराणसी में सिविल जज की कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया कि जिस स्थान पर यह शिवलिंग बरामद हुआ है उसे तत्काल सील कर दिया जाए। CRPF कमांडेंट के माध्यम से इस स्थान को सील कराने का आदेश दिया गया है। वहीं हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद से ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद में इस बार एक निर्णायक जीत मिलने जा रही है। सोहन लाल जी आए हैं और कहे हैं बाबा मिल गए हैं, क्या कहेंगे? ये काशी की नगरी है, अब काशी की नगरी में थोड़ा सा गोला चढ़ा लेने पर बाबा ही दिखाई देते हैं। हरा हरा महादेव। सोहन लाल जी आज गोला खा के आए थे क्या? हो सकता है मेरे साथ थोड़े खाए होंगे। अच्छा, सोहन लाल जी देखिए, हमने एक लाइन में कहा कि साक्ष्य के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा जब तक न्यायालय में दाखिल न हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमीशन कार्रवाई आज समाप्त हो गई, बिना बाधा के हो गई, और आप शासन प्रशासन सबका भरपूर सहयोग रहा, विपक्षी भी सहयोग किए, जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही, उनके सहयोग में अजय सिंह, अजय मिश्रा और संजय डाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए, निभाए, और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग प्रसन्न हैं। प्रतिवादी पक्ष कह रहे हैं कुछ नहीं मिला है, उनका कहना उचित भी है, आप प्रतिवादी और वादी दोनों के बाद विरोधाभासी होते ही हैं, इसी का निर्णय न्यायालय करता है। इसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई होती है? कानूनी कार्रवाई या रिपोर्ट दाखिल होगी, रिपोर्ट दाखिल होने के बाद न्यायालय इसको पुष्ट करती है, फिर साक्ष्य के स्तर पढ़ी जाती है, फिर बहस होता है, तब फैसला होता है। फुटेज है क्या उसी तरह से पेश करेंगे? यह देखिए विशाल नहीं, यह विशाल सिंह उसको लिखित पेश करेंगे, फिर फुटेज पेश करेंगे, उनके लिए बहुत बड़े बर्डन है, कमीशन की कार्रवाई बहुत मजबूती से की जाती है। साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे फिर लिखित प्रस्तुत करेंगे, दोनों साथ कर सकते हैं, जो फोटो खींचे हैं वो जो वीडियो लिए हैं ये तो न्यायालय में प्रस्तुत होगा ही होगा जी। और आप लोग बिना न्यायालय कैसे जानोगे, तो कैसे हल्ला मचाओगे आप लोग? क्या मिला, ये मिला, ये रिपोर्ट है, देखो ये साक्षी बात हो गई, साक्षी बात आना मना किया हूँ सर, साक्ष नहीं, लेकिन लोग गा रहे हैं कि बम बम बोल रहा है काशी, ये काशी में बराबर गाना है, ये गाना मनोज तिवारी गाया है, बम बम बोल रहा है काशी, आप भी गाओ आप लोग भी गा रहे हैं, विपक्ष तो नहीं गा, हम लोग तो गाएंगे ही, भाई विपक्ष क्यों बम बम काशी गाएगा, विशाल दूसरा मजहब के गाना गाएगा। वही मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि सर्वे की पूरी कार्रवाई गोपनीय है और जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पूछिए हाँ। वो कह रहे हैं 15 फीट मलबा अभी भी जमा हुआ है, वो सब गलत बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं उनकी बात सुन लीजिए, ये अदालत तय करेगी कि आपका भी तो पक्ष बताइए, क्योंकि वो ये दावा कर रहे हैं, मिले हैं क्या, मिले हैं क्या? नहीं हमारे का नहीं, नहीं मिले। कमीशन में क्या आप दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरा सहयोग किया, पदाधिकारी पक्ष ने और उधर भी सहयोग हुआ, तभी मुमताज जी संतोष है जो सर्वे मुमताज जी
असंतुष्ट हो गए तो बताएंगे ना, रिपोर्ट आएगी तब ना। लेकिन करीब 1500 तस्वीरों और कई घंटों के साक्ष्यों के बाद हिंदू पक्ष के उत्साह को देखकर लगता है कि मस्जिद में कुछ तो ऐसा जरूर मिला है जिसे लेकर तमाम पक्ष उत्साहित हैं, खासकर वो हिंदू जिन्होंने अदालत में ये याचिका दायर की थी। 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेंपल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी वो समाप्त हो गई है, और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं, सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है, और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। जिसको भी जहां पे कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कोर्ट कमीशन के द्वारा वो पालन किए गए, और संतुष्टिजनक कोर्ट कमीशन के तीनों ही सदस्यों ने ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई 10:15 बजे समाप्त कर दी। नारे लगे हैं, बताया जा रहा है शूलिंग मिला, क्या ये भ्रामक चीजें हैं कि कुछ पुष्ट खबर है? क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी चालू हैं और श्रद्धालुओं को एक भी मिनट दर्शन करने से रोका नहीं गया। केवल गेट नंबर चार जहाँ पे कोर्ट कमीशन और बाकी सदस्यों की एंट्री थी वो केवल एंट्री श्रद्धालुओं के लिए बंद थी, बाकी सारी एंट्री चालू थी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सामान्यतया जो भी उद्घोष होते हैं उसके अलावा अनयूजुअल किसी भी टाइप का कोई भी नारा कहीं भी नहीं लगा। कोर्ट कमीशन को अंदर क्या दिखा इसकी भी कोई जानकारी किसी भी पक्ष के द्वारा बाहर नहीं दी गई है, तो किसी भी उन्माद के आधार पर नारे लगने की बात सर्वथा असत्य है। जिसका इंतजार था वो चीज निकल के आ गई है और अंदर नारे लगे हैं। विष्णु शंकर जैन ने भी ये बात स्वीकारी है कि अंदर नंदी मिले उसके प्रोटेक्शन के लिए वो कोर्ट गए हुए हैं। अभी कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को ये निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रमाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार है, इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोलेज ये कल की सूचना है। कल किसी एक टीम मेंबर को बाहर करने की जानकारी हुई थी और करीब 15-20 मिनट उनको बाहर रखा गया था, उसके बाद कोर्ट कमीशन ने दोबारा उनको कार्रवाई का पार्ट बनने के लिए अलाउ कर दिया गया था। और परसों के आधार पर हुआ था कि परसों उन्होंने काफ़ी ऐसी जानकारी लोगों को दी जो कि कोर्ट की कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के बाहर थी, इसलिए कल 15-20 मिनट के लिए उनको डिबार किया गया था, दोबारा से उनको कोर्ट कमीशन में शामिल किया गया। आज सारे पक्षकार शामिल थे, आज किसी को डिबार नहीं किया गया। वाराणसी से संवाददाता अभिषेक झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।